लखीमपुर खीरी में हुई घटना से वाराणसी भी गरमाया। धरना प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को हुई गिरफ्तारी। पुलिस वैन में बल प्रयोग कर पुलिस घसीटते हुए सपा कार्यकर्ताओं को की गिरफ्तार। लगभग सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं की हुई गिरफ्तारी। वाराणसी सपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय बैठे धरने पर। लखीमपुर खीरी में हुई घटना में किसानों के हत्यारे में फांसी कर रहे हैं मांग। धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। लखनऊ से अरेस्ट हुए अखिलेश यादव की रिहाई की सपा कार्यकर्ता कर रहे हैं मांग। वाराणसी में जिला मुख्यालय पर भारी फोर्स तैनात। सपा कार्यकर्ता योगी मोदी मुर्दाबाद के लगा रहे नारे। गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी की गई है आप लोगों की? हाँ, गिरफ्तारी जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों की। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव? हमारे मुख्यमंत्री, हमारे माननीय अखिलेश जी को छोड़े, उनको रिहा किया जाए। और जबरदस्ती सरकार कर रही है सपा के साथ। ओम प्रकाश जी, आज आप लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग गिरफ्तार जबरदस्ती कर रहे हैं, ये भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। इन लोगों का यही काम है, जब इलेक्शन आता है तो हमेशा राम मंदिर का। महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है? हाँ, महिलाओं को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ बनारस का जो कलेक्ट्रेट है उसके आगे स्लोगनियरिंग की जा रही थी, बैठने का प्रयास किया गया था। पुलिस के द्वारा उनको यहां से हटाया जा रहा है, बसों में बैठा के यहां से हटा रहे हैं उनको कस्टडी में लेके, और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सर, कौन लोग थे? अभी इनका, क्योंकि इनको कस्टडी में ले लिया गया है, यहां से इनको हटाया जा रहा है। उन सबका नाम पता नोट किया जाएगा और इनकी जाँच की जाएगी। किसी पोलिटिकल पार्टी, वो सारी चीज़ें इनको हम लोग जाँच कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग को सर डिटेन किया गया? अभी सबको यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है, बाद में इनकी सूची बनाई जाएगी और इनको इनका नाम पता किया जाएगा। नहीं, अभी पूरी तरह से शांति है। बस कुछ लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में जमा हुए थे जो कि स्लोगनियरिंग और ये सब हल्ला करने की कोशिश कर रहे थे और धरने पे बैठने की कोशिश कर रहे थे। तत्काल पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी और उनको वहाँ से धरना स्थल से हटा दिया गया है और उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, लगातार हटाया जा रहा है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। नहीं, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है। उनको बस वहाँ धरना जो देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये आधिकारिक तौर पे ये धरना स्थल नहीं है, तो इस तरह से समझा बुझा के उनको वहाँ से हटा लिया गया है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और उनका नाम पता नोट किए जा रहे हैं। क्या? नहीं, धक्का मुक्की नहीं, बस उनको वहाँ से हटाया गया है और पुलिस ने बस उनको हटा लिया है। उनको बसों में बैठा के हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि ये जो कलेक्ट्रेट का गेट है वो लीगली ये धरना का कोई स्थल नहीं है। तो उनको यही बताया गया कि ये, क्योंकि पूरे शहर में धारा 144 लागू है, तो ये इसका उल्लंघन है, तो तत्काल इनको यहाँ से हटा लिया गया है। ठीक है।